हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 ऑफ चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा है कि कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और दूसरा लाइन सेगमेंट है सी डी, तो ये कॉन्ग्रुएंट कब है। मान लीजिए इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, इसकी भी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। अगर उनकी लेंथ इक्वल नहीं है तो वो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स नहीं होंगे। टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ। अगर उनकी लेंथ सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज मेजर ऑफ 70 डिग्री। हमें दो एंगल्स दिए हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है, उसमें से एक की लेंथ दी है, सॉरी एंगल दिया है मेजर 70 डिग्री, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इस एंगल का मेजर क्या होगा। हमें पता है कोई भी दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं अगर उनका मेजर सेम है, मींस एंगल की वैल्यू सेम है, तो जो अदर एंगल होगा वो भी कितना होगा 70 डिग्री। व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन, अगर मान लीजिए ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, हमने कहा एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि जो एंगल की वैल्यूज है वो इक्वल है। इट मींस मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी। यही मतलब हुआ कि उनके एंगल्स की जो वैल्यू है कि कितने डिग्रीज का एंगल है वो इक्वल है, देन वी कैन से एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। जैसे कि हमने कहा था टू बिस्किट्स ऑफ सेम पैकेट, एक ही पैकेट के दो बिस्किट्स हैं, वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद और कौन सी ऐसी एग्जांपल जिसमें कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, मार्कर, दो पेंसिल्स हैं, अगर सेम कंपनी की एक ही पेंसिल बॉक्स की दो पेंसिल्स हैं वो भी सेम होंगी। टू पेंसिल्स या पेंस ऑफ सेम कंपनी एक ही कंपनी के, सेम कंपनी मीन्स ये एक ही कंपनी कई तरह के पेन बना सकती है, लेकिन वो जो कंपनी के पेन होंगे वो सेम एक ही पैकेट में से होंगे, फ्रॉम सेम पैकेट, द सेम बॉक्स, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपके पास पेंसिल का एक बॉक्स है, पेंसिल जिसमें मिलती है डिब्बी में, आपने पूरी एक डिब्बी पेंसिल की खरीदी, तो उसमें से अगर आप दो पेंसिल्स निकालो आइडेंटिकल होंगी, सेम शेप की होंगी, सेम साइज होगा, तो ऑफ सेम कंपनी, लेकिन जो दूसरी कंपनी की वो हो सकता है डिफरेंट हो, तो सेम कंपनी का पेन या पेंसिल, दोनों मार्कर्स, अगर दो मार्कर्स हैं सेम कंपनी के हैं सेम साइज के हैं तो ये भी क्या हो गए, आइडेंटिकल फिगर्स हो गए, तो ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर? तो कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल जो आपको याद आए आप लिख सकते हैं, नोट कीजिए।